छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाकेल की प्राथमिक शाला में बड़ा हादसा टल गया है। गुरुवार को जर्जर स्कूल भवन की छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। सुबह 10 बजे बच्चे स्कूल कक्षा में बैठकर पढ़ रहे थे, तो वहीं बच्चे की सूझबूझ और स्कूल शिक्षिका ने तुरंत कक्षा से बाहर निकलने के चलते बड़ा हादसा टाल दिया है। स्कूल की छत का प्लास्टर गिर रहा है और दीवार साथ में दरारें पड़ी हुई है और स्कूल भवन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ये भवन करीब 26 साल पुराना है, जिसकी मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को अवगत करवाया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बच्चे सर मतलब प्रातः 10 बजे प्रार्थना करके बैठे, उसके बाद 10:30 बजे बच्चे अपने अपने रूम में बैठ गए। तो जब पीट पीट किया तो ऊपर जब देखा गया तो बच्चे क्या है कि प्लास्टर मतलब गिरने की ओर में था, तो अचानक मतलब गिरने लग गया। तो बच्चे को मैंने तुरंत मतलब अपनी समझदारी से क्या है कि उनको हटा दी, और जैसे ही हटा तो बच्चा अपना एक कंपास बॉक्स नहीं हटा पाया था, तो उसका कंपास भी पूरा मतलब चपट गया और बच्चे के मतलब अनहोनी से बच गए। ये भवन जर्जर है और मैं इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी थी, लेकिन आज तक ये स्कूल की कोई मरम्मत आज तक हुआ नहीं है, और मैंने कई बार इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग को जानकारी दी है, लेकिन आज तक इसी कोई भी मरम्मत या कोई भी नए भवन